नेक्स्ट क्रोमोजोम की बात कर रहा हूं, लैंप ब्रश क्रोमोजोम, लैंप ब्रश क्रोमोजोम, द लार्जेस्ट क्रोमोजोम इवन लार्जर देन द पॉलीटेन क्रोमोजोम, द लार्जेस्ट क्रोमोजोम इवन लार्जर देन द पॉलीटेन क्रोमोजोम, साइंटिस्ट फ्लेमिंग और साइंटिस्ट रकर्ट, डिस्क्रिप्शन बेसिकली जो है रकर्ट के नाम से जाएगा, तो साइंटिस्ट रकर्ट ने सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया, दिस लैंप ब्रश क्रोमोजोम इट इज फाउंड इन प्राइमरी ओसाइट, दिस लैम्ब्रस क्रोमोजोम इट इज फाउंड इन प्राइमरी ओसाइट या ओवम मदर सेल ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड इन वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स में बेसिकली जो है जो हाईलाइटेड है वर्टिब्रेट वो है एम्फीबिया के मेंबर्स, मेंशन करते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, फर्स्ट सीन बाय फ्लेमिंग, फर्स्ट सीन बाय फ्लेमिंग 1882, ठीक है, डिस्क्राइब्ड बाय साइंटिस्ट रकर्ट 1892। थोड़ा सुनो तो सही, लैंप ब्रश नाम से काम पता चल रहा है, लैंप ब्रश के जैसा अपीयर करेगा। मैंने क्या बोला, इट इज फाउंड इन, ऊसाइट का मतलब क्या हुआ, ओवम मदर सेल, ऊसाइट मतलब ओवम प्रोड्यूस करने वाला सेल, ओवम मदर सेल प्राइमरी ओसाइट या ओसाइट ऑफ वर्टिब्रेट्स, जिसमें हम हाईलाइट करेंगे एम्फीबिया क्लास को एंड इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट जूलॉजी में देख लेना। सो प्राइमरी ओसाइट या ओसाइट, प्राइमरी ओसाइट मेंशन कर लेते हैं, प्राइमरी ओसाइट ऑफ वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट, थोड़ा सुनो तो सही, इट इज लार्जेस्ट क्रोमोजोम हैविंग लेंथ ऑफ 5900, थ्री टाइम लार्जर देन द पॉलीटिन क्रोमोजोम, ठीक है, इट इज लार्जेस्ट जायंट क्रोमोजोम, विथ 5900 माइक्रोमीटर लेंथ, पॉलीटिन क्रोमोजोम 2000 माइक्रोमीटर लेंथ था, उसके कंपेयर में थ्री टाइम्स मोर लेंथ है दिस लैंप ब्रश क्रोमोजोम का, ठीक है। इरेज करके बात आगे ले चलते हैं, तो सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी ओसाइट ओवम मदर सेल एक रिप्रोडक्टिव सेल रिप्रेजेंट करता है, प्राइमरी ओसाइट ओवम मदर सेल ओवम बनाने वाला सेल है जो कि एक रिप्रोडक्टिव सेल रिप्रेजेंट करता है, एक जर्म सेल रिप्रेजेंट करता है और जर्म सेल मियोसिस करेगा। तो लैंप ब्रश क्रोमोजोम की फॉर्मेशन की स्टोरी हम मियोसिस के लैंग्वेज में पढ़ेंगे, लैंप ब्रश क्रोमोजोम इट रिप्रेजेंट बाइवैलेंट क्रोमोजोम, लैम्ब्रस क्रोमोजोम इट रिप्रेजेंट साइनैप्स्ड बाइवैलेंट क्रोमोजोम, जिसमें दो होमोलोगस क्रोमोजोम दे आर अटैच्ड एट अ पॉइंट कॉल्ड क्याज्माटा, मेंशन करते हैं और समझाएंगे मैंने क्या क्या बोल दिया। सो यहां पर मैं नाम ले रहा हूं हेडिंग का, फॉर्मेशन ऑफ लैम्ब्रस क्रोमोजोम, ध्यान दीजिएगा, यहां पर पता चला कहां पर ध्यान देना है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो सुनिएगा, लैम्ब्रस क्रोमोजोम इट रिप्रेजेंट बाइवैलेंट साइनैप्स्ड क्रोमोजोम, undergone for crossing over and homologous chromosomes are attached at chiasmata point। क्या क्या मैंने बोला समझा रहा हूं, थोड़ा समझिएगा। ये जो लैम्ब्रस क्रोमोजोम रकर्ट ने ऑब्जर्व किया, लैम्ब्रस क्रोमोजोम को रकर्ट ने अरेस्टेड डिप्लोटिन, जिसको हम डिप्टियोटिन बोलते हैं, ऑफ प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस वन में देखा। तो सुनिएगा, ये लैम्ब्रस क्रोमोजोम, फाउंड इन डिक्टियोटीन स्टेज, डिक्टियोटीन को हम अरेस्टेड डिप्लोटीन भी बोल सकते हैं,
डिक्टियोटिन फाउंड इन डिक्टियोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस वन ऑफ मियोसिस। सुनो, सुन रहे हो क्या? मैंने क्या बोला? प्राइमरी ओसाइट ओवम मदर सेल, ये ओवम बनाने के लिए सेल डिवीजन चालू किया। द काइंड ऑफ सेल डिवीजन मियोसिस होगा। मियोसिस में दो पार्ट होंगे, मियोसिस वन और मियोसिस टू। नेक्स्ट चैप्टर में हम बताएंगे, यहां पर भी थोड़ा बहुत हाईलाइट करूंगा। मियोसिस वन में सेल इंटर किया और मियोसिस वन के पहला स्टेप प्रोफेज वन में गया। प्रोफेज वन में पांच सब स्टेप है जिसमें लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन और डायकाइनेसिस। बताइए बताइए, थोड़ा समझिए। यहां पर ये प्राइमरी ओसाइट मियोसिस का, मियोसिस वन का, प्रोफेज वन का, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, ये चार स्टेप तक पहुंच चुका है और डिप्लोटिन में जाके प्राइमरी ओसाइट अरेस्ट हो चुका है। उस स्टेज को अरेस्टेड डिप्लोटिन को हमने डिप्लोटिन बोला और उस डिप्लोटिन स्टेज में हमें लैंप ब्रश लाइक जायंट क्रोमोजोम मिलेगा जिसको हमने लैंप ब्रश क्रोमोजोम नाम दिया। बताते हैं कैसा होता है, ये थोड़ा थ्योरी था। अब जो कुछ भी मैंने बोला और रिप्रेजेंट किया, देखते हैं डायग्राम के थ्रू। आइए थोड़ा थोड़ा यहां पर आइए। जो है प्राइमरी ओसाइट, सुनिएगा समझिएगा, प्राइमरी ओसाइट ने स्टार्ट किया मियोसिस, मियोसिस में उसने स्टार्ट किया मियोसिस वन, मियोसिस वन में सबसे पहले उसने स्टार्ट किया न्यूक्लियस का डिवीजन कैरियोकाइनेसिस वन। कैरियोकाइनेसिस वन में सबसे पहला स्टेप लिया गया प्रोफेज वन। प्रोफेज वन के पांच सब स्टेप हैं जिसमें प्राइमरी ओसाइट ने जो है लेप्टोटिन, प्राइमरी ओसाइट ने लेप्टोटिन कंप्लीट कर लिया है। लाइक प्राइमरी ओसाइट ने जाइगोटिन स्टेज कंप्लीट कर लिया है, ये पैकेटिन या पैचेटिन स्टेज भी क्रॉस कर चुका है और ये जाके डिप्लोटिन में अरेस्ट हो चुका है। डिप्लोटिन जिसको जो है हम डिप्लोटिन भी नाम दे रहे हैं इन द लैंग्वेज ऑफ हॉल्टेड या अरेस्टेड डिप्लोटिन। सो ये डिप्लोटिन में जाके सेल रुक चुका है। समझिएगा समझिएगा, यहां पर समझिएगा मैंने क्या बोला। ये है एक ओवम मदर सेल का न्यूक्लियस और उसमें है एक क्रोमोजोम। आइए यहां पर आइए, ये क्रोमोजोम ने रेप्लिकेशन करके अपना पार्टनर क्रोमोजोम बनाया, ठीक है, या लिव इट जो है दो जो है यहां पर। वैसे तो जो है मियोसिस में एक पैटर्नल और एक मैटर्नल क्रोमोजोम है, यहां पर एक पैटर्नल और एक मैटर्नल क्रोमोजोम होता है। सो मैं डायरेक्ट ले रहा हूं, ये जो है रिप्रेजेंट दो क्रोमोजोम, होमोलॉगस क्रोमोजोम का लैंग्वेज दे रहा हूं, होमोलॉगस क्रोमोजोम। होमोलॉगस क्रोमोजोम का मतलब स्ट्रक्चरली एंड जेनेटिकली सिमिलर क्रोमोजोम, जिसमें एक जो है फादर का क्रोमोजोम होता है जिसको हम पैटर्नल नाम देते हैं और एक मदर का क्रोमोजोम होता है जिसको हम मैटर्नल क्रोमोजोम नाम देते हैं। इनिशियली ये दोनों क्रोमोजोम न्यूक्लियस के अंदर यहां वहां बिखरे पड़े थे, इनका क्या हुआ, पेयरिंग हुआ। पेयरिंग होता है जाइगोटिन में। सो ये दोनों क्रोमोजोम जो होमोलॉगस क्रोमोजोम है, दे पेयर्ड एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ये पेयर हो गए, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर होमोलॉगस क्रोमोजोम। व्हाट डू यू मीन बाय होमोलॉगस क्रोमोजोम? स्ट्रक्चरली एंड जेनेटिकली सिमिलर क्रोमोजोम जिसमें एक पैटर्नल और एक मैटर्नल क्रोमोजोम रिप्रेजेंट होता है, ये यहां पर आके पेयर हो गए एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर। इस पेयरिंग ऑफ क्रोमोजोम को, ठीक है, या मैं ऐसे बना देता हूं, या मैं ऐसे बना देता हूं, ये दोनों क्रोमोजोम इनिशियली यहां वहां स्कैटर्ड होंगे, इनिशियली जो है ये कुछ ऐसे थे। प्रोसेस आगे बढ़ा, पैटर्नल और मैटर्नल क्रोमोजोम जो होमोलॉगस क्रोमोजोम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्ट्रक्चरली और जेनेटिकली सेम है, इनका पेयरिंग हुआ। प्रोसेस ऑफ पेयरिंग को हम बोलते हैं सिनेप्सिस। सो पेयरिंग ऑफ क्रोमोजोम, पेयरिंग ऑफ क्रोमोजोम को हम बोलते हैं सिनेप्सिस, सिनेप्सिस या सिनेप्सिस हो गया। सिनेप्सिस रिजल्ट्स इन पेयरिंग ऑफ क्रोमोजोम एट पर्टिकुलर डिस्टेंस इस पेयर्ड क्रोमोजोम को। थोड़ा सुनो तो सही, सुन लो ना जरा। पेयर्ड क्रोमोजोम को हम क्या क्या बोलते हैं? पेयर्ड क्रोमोजोम को हम बाइवैलेंट क्रोमोजोम नाम देते हैं, पेयर्ड क्रोमोजोम को बाइवैलेंट क्रोमोजोम नाम देते हैं, या सिनेप्स्ड क्रोमोजोम नाम देते हैं, सिनेप्स्ड क्रोमोजोम। और ये पेयरिंग ऑफ क्रोमोजोम कहां पर हुआ है? जाइगोटिन में। लेप्टोटिन में तो जो है कंडेंसेशन वगैरह होता रहेगा, लेप्टोटिन की बात नहीं हो रही। बात आगे बढ़ी तो ये जो पैटर्नल और मैटर्नल क्रोमोजोम थे, इनके बीच हुआ क्रॉसिंग ओवर, एक्सचेंज ऑफ जीन्स। सो क्रॉसिंग ओवर के समय जो है क्रोमैटिड ऑफ पैटर्नल, ये क्रोमैटिड ऑफ मैटर्नल के साथ क्रॉस ओवर किया एक पॉइंट पर,
जो है अपने पार्ट्स को एक्सचेंज करेंगे। डिटेल में मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। सो यहां पर क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर, समझेंगे क्रॉसिंग ओवर बिटवीन बाइवैलेंट क्रोमोजोम। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर में जो है एक क्रोमोजोम के दो क्रोमैटिड सिस्टर क्रोमैटिड, दूसरे क्रोमोजोम के दो क्रोमैटिड सिस्टर क्रोमैटिड, एक क्रोमोजोम का क्रोमैटिड पड़ोसी क्रोमोजोम के क्रोमैटिड के लिए नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के पार्ट्स आपस में क्रॉसओवर हो गए। ठीक है, पार्ट्स क्रॉसओवर हो गए। अब नेक्स्ट स्टेज आएगा डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में क्या होगा, ये जो पेयरिंग था डी पेयरिंग होगा, ये जो सिनेप्सिस था डी सिनेप्सिस होगा, दोनों जो है एक दूसरे से दूर भागेंगे। क्यों भागेंगे, कैसे भागेंगे मत समझो फिलहाल के लिए, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। सो यहां पर क्या होगा, डी सिनेप्सिस के समय ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है क्रॉसिंग ओवर पॉइंट पर अटैच थे तो वहां पर अटैच ही रहेंगे, इनके बीच में रिपल्शन हुआ तो जो है होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर जाने लगे। स्टिल क्रॉसिंग ओवर पॉइंट पर दे आर सीन अटैच्ड, इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं क्याज्माटा। क्याज्माटा इज द पॉइंट वेयर द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ बाइवैलेंट साइनेप्स या होमोलॉगस क्रोमोसोम सीन अटैच्ड ड्यूरिंग डिप्लोटिन स्टेज या ड्यूरिंग रिपल्सन। ये सिंपल है, अब फिर देखिएगा, अब इसी स्टेज पर आके सेल रुक गया। जो है डिप्लोटीन में जहां पर जो है रिपल्सन बिटवीन क्रोमोजोम हो रहा है और जो है क्रॉसिंग ओवर पॉइंट, अब यहां पर क्याज्माटा के लैंग्वेज में जो है दो क्रोमोजोम अटैच्ड है, इसी स्टेज को हमने बोला अरेस्टेड डिप्लोटीन, जिसको हमने बोला डिप्लोटीन। अब यहां पर क्या होगा, ये क्रोमोजोम है ये लूप लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे, दे गेट कन्वर्टेड इंटू लूप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, सो कंडेंसेशन हुआ यहां पर अरेस्टेड डिप्लोटीन में जो है बाइवैलेंट क्रोमोसोम कंडेंस हुए, दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ लैंप ब्रश क्रोमोसोम लूप लाइक स्ट्रक्चर। लैंप ब्रश वो जो है वो जो केरोसिन से जो है होता है ना, जो लैंप जो है लैंप का जो है जो कांच होता है उसमें जो है क्लीन करने के लिए हम लैंप ब्रश, कुछ ऐसा होता है ना लैंप ब्रश, अगर हम देखे जो है ये कुछ ऐसा लैंप ब्रश अपियर होता है जिससे हम जो है ग्लास को जो है क्लीन करते हैं, तो कुछ ऐसा दिखेगा जिसका जूम्ड वर्जन ये है। सो प्राइमरोसाइट ने मियोसिस वन के प्रोफेज वन के लेप्रोटीन में इंटर किया, लेप्रोटीन में क्रोमोजोम का कंडेंसेशन होता है, वो पॉइंट मैंने यहां पर नहीं दिखाया, क्रोमोजोम यहां वहां हाईली कंडेंस फॉर्म में आ चुके हैं। लेप्रोटीन में जायगोटीन में क्या होगा, दो सिमिलर क्रोमोजोम होमोलोगस क्रोमोजोम ये पेयर हो जाएंगे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, पेयर्ड क्रोमोजोम को हम बाइवैलेंट या साइनेप्स क्रोमोजोम बोलेंगे, प्रोसेस को साइनेप्सिस बोला हमने। इसमें एक क्रोमोजोम पैटर्नल दूसरा मैटर्नल का क्रोमैटिड, मैटर्नल के क्रोमैटिड से नॉन सिस्टर क्रोमैटिड का रिलेशन कैरी करेगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में हुआ जो है पार्ट्स का एक्सचेंज जिसको हमने बोला क्रॉसिंग ओवर। अब जो है डिप्लोटीन में पहुंचा तो जो है दोनों पेयर क्रोमोजोम एक दूसरे से दूर रिपल्सन के वजह से जाने लगे, बट स्टिल क्रॉसिंग ओवर पॉइंट पर दे आर अटैच्ड, जिसको हमने क्याज्माटा बोला। इस स्टेज पर आके क्रोमोजोम बाइवैलेंट क्रोमोजोम वो कंडेंस होना चालू हुआ एंड इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ लूप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हमने बोला लैंप ब्रश लाइक स्ट्रक्चर, लैंप ब्रश क्रोमोजोम। ये है एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ लैंप ब्रश क्रोमोजोम, इसी के लैंग्वेज में मैं लैंप ब्रश क्रोमोजोम को स्टडी करने वाला हूं। लैंप ब्रश क्रोमोजोम कुछ जो है रिप्रेजेंटेशन ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, प्रोसेस समझा कि नहीं, इरेज कर रहा हूं डायग्राम को और थोड़ा अच्छे से ले चल रहा हूं आगे। हाँ, ये थोड़ा समझिए आगे की बात में क्या बोल रहा हूं, लैंप ब्रश क्रोमोजोम ड्यू टू कंडेंसेशन फॉर्म्स मेनी लूप लाइक स्ट्रक्चर या मेनी लूप्स। ठीक है, पर समझिएगा। सो ये है एक लैंप ब्रश क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर, ये मैंने बना दिया एक पैटर्नल क्रोमोजोम कंसीडर कर लो या मैटर्नल क्रोमोजोम कंसीडर कर लो, ये दूसरा बाइवैलेंट क्रोमोजोम हो गया। ठीक है, तो ये लूप लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए, तो हमने इनको बोला ड्यू टू हाईली कंडेंसेशन लूप लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया बाइवैलेंट साइनेप्स क्रोमोजोम। ठीक है, सो दिस रिप्रेजेंट बाइवैलेंट क्रोमोजोम
दिस रिप्रेजेंट बाइवैलेंट क्रोमोसोम जिसमें एक पैटर्नल और एक मैटर्नल है। लूप में थोड़ा लूप को हम बाहर इत्तू से पार्ट को हम जूम आउट करते हैं, एक लूप को अगर हम बाहर निकालें तो एक लूप, नीड योर अटेंशन प्लीज, यहां बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक लूप की अगर हम बात करें, सो इंटरनली लूप हैज लेस कंडेंस्ड डीएनए, इंटरनली लूप के पास लेस कंडेंस्ड डीएनए स्ट्रैंड होगा, एक्टिव डीएनए स्ट्रैंड होगा, और पेरिफेरी ऑफ लूप पर इंटरनली देयर इज प्रेजेंस ऑफ लेस कंडेंस्ड डीएनए एंड पेरिफेरी ऑफ लूप पर जो है नेसेंट मैसेंजर आरएनए के फाइबर होंगे। जो है लूप एक्सटर्नली फाइब्रिलार अपियरेंस का रिप्रेजेंट होता है, फाइबर लाइक अपियर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेनी न्यूली फॉर्मड मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड प्रेजेंट ओवर द लूप। इस मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड जो लूप के ऊपर प्रेजेंट है, इट इज सराउंडेड, इट इज प्रेजेंट इन द प्रोटीन मैट्रिक्स, ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन द प्रोटीन मैट्रिक्स, द नेसेंट मैसेंजर आरएनए प्रेजेंट ओवर द लूप, इट इज सस्पेंडेड इन द प्रोटीन मैट्रिक्स, समझेंगे, थोड़ा समझिएगा, मैंने सिंगल लूप को बाहर निकाला, सिंगल लूप इंटरनली लेस कंडेंस्ड डीएनए, ठीक है, एंड यहां एक्सटर्नली दिस रिप्रेजेंट इनफॉर्मोसोम, क्या बोल दिया मैंने, इनफॉर्मोसोम ये फाइब्रिलार स्ट्रक्चर है ओवर द लूप, ओवर द लूप मेड अप ऑफ नेसेंट एमआरएनए, न्यूली फॉर्म्ड मैसेंजर आरएनए प्लस प्रोटीन, और ये जो इनफॉर्मोसोम है ओवर द लूप मेड अप ऑफ नेसेंट मैसेंजर आरएनए एम्बेडेड इन द प्रोटीन, इट हेल्प इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट, समझो यहां पर समझो, एंड विटेलोजेनेसिस, बताओ तो सही विटेलोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ यॉक इन फ्यूचर, ठीक है, सो समझेगा, ये जो है कुछ ऐसा रिप्रेजेंट होगा एकदम, अगर हम जो है जूम वर्जन में ना देखें तो ये यहां पर एक कॉमन एक्सिस पर जो है बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं, इसी को हमने थोड़ा जूम आउट किया है तो हमें जो है कॉमन एक्सिस पर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं लूप्स को मैंने जूम आउट किया, लूप इंटरनली और एक्सटर्नली में क्या बताओ लैंप ब्रश के जैसा अपियर हो रहा है, और इसका लेंथ 5900 माइक्रोमीटर है। प्राइमरी ओसाइट ने चालू किया मियोसिस का, मियोसिस वन का, कैरियोकाइनेसिस वन का, प्रोफेज वन पहुंच चुका है, डिप्लोटीन में जाकर रुक चुका है, डिप्लोटीन में अरेस्टेड, डिप्लोटीन को हमने बोला है डिप्लोटीन, और जो है डिप्लोटीन पहुंचते वो पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम हो चुका है, जिसकी वजह से बाइवैलेंट बन चुका है, क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, डी पेयरिंग या डी सिनेप्सिस की वजह से होमोलॉगस क्रोमोसोम वो क्याजमाटा पॉइंट पर अटैच्ड है, फर्दर कंडेंसेशन की वजह से लूप लाइक लैंप ब्रश लाइक स्ट्रक्चर आया। इंटरनली क्या कंडीशन है और एक्सटर्नली फाइब्रिलार स्ट्रक्चर को हमने इनफॉर्मोसोम नाम दिया, बताओ प्लीज, क्लियर है यहां तक, पक्का क्लियर है। सो ये था जायंट क्रोमोसोम की स्टोरी इन द लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिन, इन द लैंग्वेज ऑफ लैंप।